हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हो गया आपका रूबी के जहाँ रियल ब्लॉग में। और ये देखिए, अभी सुबह हो गई है और सुबह होते ही फिर से वही डेली रूटीन चालू हो जाता है। ये देखिए, आटा ख़त्म हो गया है और ये मैं डब्बे में आटा डालने जा रही हूँ। और अभी 7 बज रहे हैं, टिफिन बनाना पड़ता है मुझे, रोटी सब्जी चाय, तो जल्दी उठना पड़ता है। तो ये मैं आटा पलटी करने जा रही हूँ, उसके बाद चाय नाश्ता बनाऊँगी और रोटी बनाना है लेकर जाने के लिए टिफिन में। ये देखिए, मैंने आटा निकाल ली हूँ आटा गूंदने के लिए, और एक साइड मैंने चाय रखी हूँ शायद। और अभी आधे बर्तन पड़े हैं रात के धुलने के लिए, क्योंकि मैं रात को बर्तन नहीं धुली थी, आधे धुली थी आधे ऐसी छोड़ दी थी मैंने, प्लेट व्लेट वैसे रखा हुआ है, उसको मैं आटा गूंदने के बाद सब साफ़ करूँगी। तो देखिए, सब लोग चाय नाश्ता करके टिफिन उफिन लेके अपना सब जन काम पे चले गए हैं। अभी 11:30 बजने वाला है, 11:15 हो गए हैं। अपने बेटे के लिए मैं टिफिन बना रही हूँ, बस उसके लिए 2 पराठे बनाऊँगी, क्योंकि सुबह नहीं बनाई थी मैंने, थोड़ा सा आटा बचा के रख ली थी, क्योंकि उसको गर्म गर्म रोटी देती हूँ मैं। दोपहर में 2:30 बजे खाना खाता है तो फिर ठंडा ना हो जाए इसके वजह से। तो ये मैं चौकोन पराठा उसको बना के दे रही हूँ। त्रिकोण पराठा नहीं खाता है वो, बोलता है ये नहीं अच्छा लगता है मुझे, और ये चौकोन बना के देती हूँ तो खा लेता है। ये 2 पराठे सेक के उसको दे दूँगी मैं। टाइम भी हो गया है, रिक्शा वाला भी जल्दी आ जाता है, कभी 11:15 पे आ जाता है रिक्शे वाला। तो मैं उसको चिल्ला रही हूँ, मतलब कि सॉक्स, वो खुद से 8 साल का हो गया है पर खुद से सॉक्स भी नहीं पहन पाता है, ना शूज़ पहन पाता है। और देखिए, वो चला गया है और छोटे वाले को मैंने चाय वाय दे के उसको वहाँ सोफे पे बैठा दी हूँ। और ये मैं फटाफट चाय के बर्तन धुल ले रही हूँ, किचन को मैंने यहाँ साफ़ कर दी थी, खाली बर्तन धुलना है थोड़े से। सुबह उठो, फिर वही काम, डेली रूटीन यही है, रोज़ डेली हम औरतों की ज़िंदगी यही है, बस खाना बनाना, खिलाना, झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े, बच्चे संभालो, यही काम है हमारा और कुछ नहीं है। लेकिन काम करने के लिए पैदा हुए हैं हम, फिर भी हमारी कोई इज्जत नहीं है। मर्द लोग बोलते हैं कि क्या किए, दिन भर क्या किए घर पे बैठ के, इतने से काम में थक गए। चलिए कोई बात नहीं है, देखिए फटाफट से बर्तन को स्टैंड पे लगा दे रही हूँ। लगे हाथ लगा देती हूँ मैं तो हो जाता, नहीं तो अगर रख देती तो मैं भूल जाती हूँ, फिर नहीं दिल करता है रखने के लिए, तो मैं साफ़ कर दे रही हूँ। ये सिंक को भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ, थोड़ा सा साबुन लगा के थोड़ा साफ़ हो जाता है, बर्तन धुलने के बाद थोड़ा चिकड़ चिकड़ सा हो जाता है साफ़ करके। ये मैं सूखे कपड़े से एक बार और पोंछ ले रही हूँ ताकि इस पर पानी ना रहे। अरे देखिए, मैं नीचे किचन साफ़ करने के बाद ये नीचे मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। ये वाइट टाइल्स ही है पर मैंने इसके ऊपर वॉलपेपर लगा दी थी तो वो निकलते जा रहा है, तो नीचे बड़ा गंदा सा लग रहा है, इस पर फिर से मुझे पेपर लगाना है। उसको छुड़ाने की कोशिश कर रही थी मैं पर ये नहीं छूट रहा था। और ये मैंने किचन में झाड़ू मार ली, बेडरूम में, और ये हॉल में झाड़ू मार रही हूँ। इस पर जरा सा भी देखो चाय गिरा है, कितना गंदा सा दाग दिख रहा है। झाड़ू मार लेना है, पूरे घर में झाड़ू मारने मुझे आधे घंटे से ज़्यादा ही लग जाता है। और ये देखिए, मैं किचन में पहले पोछा लगा देती, किचन में फ़ैन नहीं है तो थोड़ा सूखने में टाइम लगता है, इसलिए पहले किचन में ही पोछा लगा देती हूँ मैं। जहाँ भी कुछ भी गिर जाता है, एक दाना चावल भी अगर वो नीचे चिपक गया है तो उसको छुड़ाने में एकदम वो कड़क हो जाता है, जल्दी छूटता नहीं है, तो उसको रगड़ रगड़ के छुड़ाना पड़ता है। और देखिए, नहाना धोना सब कुछ मेरा हो गया है। और ये मैंने अंडे की भुर्जी बनाई थी और रोटी, और ये मैंने चिकन पुलाव बनाई थी। मुझे लगा कि मैंने गैस बंद कर दी हूँ पर गैस चालू ही था, लेकिन स्लो था एकदम, तो ये पुलाव थोड़ा सा नीचे से पकड़ लिया है। और कोई नहीं, अभी ज़्यादा टाइम हो गया, 1:30 बज गए हैं, मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, अभी कोई आया नहीं है। देखिए, मैं खाना खाने जा रही हूँ, आइए आप लोग भी खाना खाने के लिए। अरे देखिए, खाना खाने के बाद मेरी अपॉइंटमेंट थी, मैं चले आई हूँ दवा खाने में। तो यहाँ पे आने के बाद अपॉइंटमेंट था, पर यहाँ पे 5-6 जन का नंबर है, 5-6 जन के बाद मेरा नंबर आएगा। तो यहाँ से मैं अपनी जेठानी के यहाँ चली गई थी थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए। यहाँ फालतू बैठने से अच्छा है वहाँ ही चली जाऊँ, थोड़ा मिल भी लूँगी। फिर वहाँ से आने के बाद फिर मैं अपना दवा वा ले करके फिर घर पे आई थी 3:30 बजे। बोली हूँ, झाड़ू मार ली हूँ, और फिर से मेरे बेटे ने नीचे फ्रूटी गिरा करके पूरा घान मचाया था, सब पोछा लगा ली हूँ। और कपड़े धुल कर जो गई थी मैंने बकेट में रख के, वो सब मैंने डाल दी हूँ रस्सी पे। और अभी बज रहे हैं 6 और मैं अपना ये ड्रिंक ले रही हूँ।
और मेरा इवनिंग वर्कआउट चालू होने वाला है 6:15 बजे। फिर अभी मुझे कपड़े भी चेंज करने हैं। देखिए, वर्कआउट करने के बाद मैं जा रही हूँ थोड़ा मार्केट में। मैंने अपने बेटे के लिए भाड़े से कपड़ा लेकर आई थी शिवाजी का, उसको देना है मुझे क्योंकि 3-4 दिन हो गए हैं, लेट हो गया है। और ये मैं अपने देवर के साथ जा रही हूँ, चाची के लड़के हैं उनके साथ जा रही हूँ मैं मार्केट, और कपड़ा देना है मुझे। और वहाँ से थोड़ा भाजी भी लेना है क्योंकि भाजी ख़त्म हो गई है। ये देखिए दुकान है ये, और अभी मैं यहाँ से कपड़े देकर के फिर यहाँ से भाजी मार्केट जाऊँगी। ये देखिए मैंने भाजी मार्केट से भाजी लेकर आई हूँ। मैं दूसरे मार्केट गई थी जो लोकल मार्केट होता है वहाँ से, और इन सब एक ही में मिक्स है, मुझे सब इसमें से चुनने में बड़ा टाइम लग जाएगा। और रात भी हो गई है, 8 बजने वाले हैं, तो मैं एक साइड दाल चावल भी रख दूँगी फटाफट। जब तक दाल चावल होगा तब तक मैं ये सब्ज़ी को साफ़ कर लूँगी, सब चुन लूँगी अच्छे से। साफ़ करके सब रखना पड़ता है, सब्ज़ी लाना ही अच्छी बात नहीं है, उसको साफ़ करने में ही मेहनत लगती है। थोड़ा मेहनत करने में 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाता है। देखिए अभी इसमें सब वटाने मिर्ची सब एक साथ है, और देखिए दाल चावल में लगी थोड़ा सा, आधी सीटी भी नहीं लगी थी, उसके बाद गैस ख़त्म हो गया। ऐसे ही वक्त पे गैस ख़त्म होता है कभी भी, या तो चावल उबलता होता है या फिर कुछ भी करो, ऐसे वक्त पे गैस ख़त्म होता है कि मतलब क्या ही बोलो। फिर ये मैंने गैस पटाखे चेंज कर दी हूँ और ये चालू कर दी हूँ फिर से, गैस को निकालना फिर रखना, वहाँ पे थोड़े बहुत सामान रखे रहते हैं। और देखिए दाल चावल हो गया, भाजी मैंने आधी साफ़ कर दी, कोथमीर अभी नहीं साफ़ की, उसको बाद में साफ़ करूँगी मैं। और ये मैं भिंडी बनाने जा रही हूँ, भिंडी ज़्यादा है, 1 किलो भिंडी है, उसको काटने में बहुत टाइम लगता है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ। फटाक से 5 मिनट के अंदर भिंडी कट जाती है। ये मैंने प्याज और मिर्ची काट के ये कढ़ाई में डाल दी हूँ, जब तक ये भुनेगा तब तक मैं ये भिंडी के डंठल पहले निकाल लूँगी सब पीछे से, सब भिंडी के उसको इकट्ठा करके रख दूँगी। सारे भिंडी को लाइन से सजा के रख देती हूँ मैं अच्छी तरीके से, ऐसे सारी भिंडी के ऊपर का हिस्सा मैं निकाल देती हूँ जो उसकी टोपी होती है, और यहाँ बीच बीच में कांदे को चलाया भी करती हूँ मैं ताकि वो जले ना। और फांसी रखी हूँ मैं गैस स्लो पे नहीं, मैं फांस पे ही जल्दी काम करती हूँ कि फटाफट हो जाए, स्लो नहीं करती हूँ मैं ताकि जल्दी से प्याज भी लाल हो जाए और कटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए मैंने सजा के रख दी हूँ 3 साइड में, और अभी मैं एक साथ सब चक्कू से उड़ा दूँगी। देखिए इसमें एक भी ख़राब भिंडी नहीं है, ख़राब रहेगी तो हमको दिख जाएगी, मैं सोच रहा कि इसमें ख़राब भी अंदर चले जाएगा, नहीं मालूम पड़ जाता है कि इसमें ख़राब है, दिख जाती है। ये देखिए मैं इसमें उठा के डाल दी हूँ, और बस 5 मिनट भी नहीं लगता है, बस फटाक से भिंडी कट के हो जाती है रेडी। जब भिंडी को एक एक करके काटना पड़ता है, मुझे बहुत भारी पड़ती है, मैं ऐसे ही भिंडी को धो के पहले स्लैब पे रख देती हूँ, उसके बाद उसका पानी निकल जाता है उसकी डंठल काट के, और मैं ऐसे ही फटाफट से भिंडी काट देती हूँ। जब तक प्याज डाल होता है मेरी भिंडी कट जाती है, चाहे 1 किलो हो चाहे 1.5 किलो हो, 1.5 किलो ही मेरे यहाँ बनता है, ज़्यादा लोग हैं तो। मैं इसमें आलू वलू नहीं मिलाती हूँ और मैं ज़्यादा कुछ डालती भी नहीं, बस सिंपल सी भिंडी की सब्ज़ी बनाती हूँ, बस प्याज और मिर्ची से तड़का लगाती हूँ और नमक डाल देती हूँ। एकदम लाल सी भिंडी अच्छी वाली करारी कुरकुरी बनके तैयार हो जाती है। मेरे यहाँ गिल्ला उल्ला कोई नहीं खाता है और कम तेल भी लगता है। और देखिए खाना वाना खाने के बाद में मेरे बेटे को मैगी चाहिए था और घर का भी थोड़ा कुछ बेसन वेसन चाहिए था मुझे, क्योंकि मुझे सुबह पकौड़ा बनाने का है। तो ये हम लोग आ गए हैं दुकान पर, ये हमारे यहाँ की किराना दुकान है छोटी सी नीचे है, और यहाँ से मैं मैगी लेने आई हूँ। कौन सी मैगी दूसरी दे रहा है, मसाले वाली? मेरा बेटा मसाले वाली मैगी नहीं खाता है, तो मैं उसको बोलूँ मुझे सादी मैगी चाहिए, तो वो 14 रुपये का है, तो वही मैं ले रही हूँ। ये दूसरे अंकल हैं जो पहले वाले थे, वो लोग शायद गांव चले गए हैं, मैं कभी दुकान पे नहीं आती हूँ जल्दी, पर अभी रात था थोड़ा वॉकिंग करने के लिए आई थी नीचे, तो फिर ये मेरी जेठानी का लड़का है, ये बोले कि चलो चलते हैं दुकान पे, आखिर नीचे घूम रही हो, थोड़ा वहाँ से घूम के आते हैं। तो देखिए मैं ब्रेड देख रही हूँ, डेट एक्सपायरी डेट हो गया है, फिर भी रखे हुए हैं इन लोग बेचने के लिए। और ये देखिए यहाँ से ये जो आदमी खड़ा है, यहाँ से हम लोग दूध लेते हैं, दूध की डेयरी है, यहाँ से दूध लेके जाते हैं, और ये मेन रोड है। और ये देखिए मैं घर पे चली आई हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।